Hello, Grade Twelfth. Welcome to my YouTube channel. Let us start the exercise two point one. As we have discussed about the sine inverse x, cos inverse x, and tan inverse x. Also, we have discussed about the principal branch of a function, right? So we are to find the value of principal value of this question. Question number one: sine inverse minus one by two. ठीक है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है सिर्फ आपको अगर साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको उसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए डैट्स इट क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा ठीक है तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो आपको पता है माइनस वन से लेकर वन तक है और रेंज रेंज जो हम लेते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में ही ले ले रहे हैं इसकी रेंज सारे रियल नंबर्स हम नहीं ले रहे तो जो इसकी आपने रेंज लेनी है डाट इज़ माइनस पाव बाय टू टू पाई बाय टू ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ठीक है क्वेश्चन करने के लिए अब सबसे पहले देखो साइन इन वर्स माइनस वन बाय टू आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था साइन इन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इन एक्स ठीक है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में से आप नेगेटिव को बाहर निकाल दो साइन इनवर्स वन बाय टू राइट आप देखो साइन इनवर्स वन बाय टू वन बाई टू साइन थीटा हमें कब देता है जो वो थर्टी डिग्री का होता है वैन वी हैव साइन थर्टी डिग्री डैट इज फाइव बाय सिक्स ठीक है साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसल हो गए हमें आंसर मिल गया माइनस फाइव बाय सिक्स माइनस फाइव बाय सिक्स इज चेक करो माइनस थर्टी डिग्री तो आप रेंज में देख लो कि रेंज में बैठे हो रेंज है ना आपकी माइनस नाइन टू नाइनटी तो आपको आंसर क्या मिल रहा है माइनस थर्टी डिग्री तो मींस आपका जो आंसर है वो प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया है देअर फोर इट्स आंसर इज माइनस पाई बाय सिक्स तो यहां पे आप लिख दोगे प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल्स टू माइनस पाई बाय सिक्स राइट सिमिलरली वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स एक्स रूट थ्री बाई टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू राइट right? तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको सबसे पहले डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए कॉस फंक्शन की कॉस इनवर्स फंक्शन की सॉरी कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है माइनस वन टू वन और रेंज क्या है जीरो से लेकर पाई मींस आपने आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो जीरो से लेकर पाई तक आना चाहिए इनकेस नहीं आता तो हम किसी और तरीके से उसको लेके आएंगे ठीक है तो यहाँ पर <coughs> ये यह भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर तो नेगेटिव है ही नहीं तो इस नेगेटिव ये है ही इट्स सेल्फ पॉजिटिव है तो बस आपने रूट थ्री बाई टू की वैल्यू लिखनी है ठीक है अब रूट थ्री बाई टू बेटा किसकी वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू ये हमें मिलेगा कॉस थर्टी डिग्री पे मीन्स की कॉस फाइव बाई सिक्स अगेन कॉस इनवर्स एंड कॉस इज कैंसल क्यों कैंसल बिकॉज कॉस इन्वर्टेबल फंक्शन है इन्वर्स को उसी के फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा वन तो यहाँ पर अगेन आपको आंसर क्या मिल गया सिक्स देर फोर प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय सिक्स राइट क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसेकेंड इनवर्स टू सबसे पहले हम कुसेकेंड इनवर्स की डोमेन और रेंज चेक करते हैं ठीक है कुसेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन है वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये देखो लास्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया इनइक्वालिटी नहीं आ रही ठीक है एंड माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तक दिस इज द डोमेन एंड वट इज द रेंज जीरो टू पाई बाय टू एंड माइनस पाई बाय टू टू जीरो यहां पर पाई बाय टू इंक्लूड नहीं करना क्योंकि कुसिकेंट नाइंटी कुंट किसका रेसी प्रोकल है साइन नाइन्टी साइन नाइंटी इज वन <coughs> वेट सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है पाई बाय टू रेंज में आ रहा है आपने मतलब पाई बाय टू आंसर नहीं आएगा यहाँ पर जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको पाई बाय टू में आंसर में नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पे इन नहीं है ठीक है तो हमारा जो इनपुट है वो माइनस वन से लेकर वन तक ही है लेकिन इस इसको उन्होंने टू पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दिया बिकॉज इसका जो ग्राफ है ना बेटा वो इस तरह से बनता है लाइक like, ऐसे मतलब टू पार्ट्स की यूनियन में बनता है इसका ग्राफ ठीक है आप अपनी किसी बुक में चेक करोगे हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक नहीं तो, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है तो इसकी यूनियन और इसकी यूनियन को उन्होंने टू पार्ट्स में लिखा हुआ है ठीक है सो so, इसलिए हमने इसको टू पार्ट्स में डोमेन को भी टू पार्ट्स में लिखा है और रेंज को भी टू पार्ट्स में लिखा है तो हमारा जो आंसर है देखते हैं अब क्या आता है कुसिकेंड इनवर्स टू नेगेटिव साइन नहीं है तो ऑलरेडी वो रिमूवड है तो उसकी ज़रूरत नहीं है तो कुसिकन इन्वर्स टू तो बेटा ये टू किसकी वैल्यू होती है देखो साइन वन बाई टू सॉरी वन बाई टू किसकी वैल्यू है साइन थर्टी की तो कुसिकेंड थर्टी की वैल्यू क्या होगी टू कुसिकेंड थर्टी इज़ कुसिकेंड थर्टी इज़ टू कर्सीकेंड थर्टी इक्वल्स टू टू तो इस टू को मैं क्या लिख रही हूँ कुर्सीकेंड थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री मीन्स पाई बाय सिक्स ठीक है तो आपस में कैंसिल आंसर इज पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स इज थर्टी डिग्री तो इसी रेंज में आ रहा है हमारा आंसर इससे बाहर तो नहीं जा रहे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या मिल गई पाई बाय सिक्स सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर थ्री राइट फ्रॉ फैंसी आर टी टू पॉइंट वन हेयर वी आर टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री ठीक है तो सबसे पहले अगेन टैन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज हम डिस्कस करेंगे टैन इनवर्स की डोमेन है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट एंड रेंज इज़ माइनस नाइन्टी टू प्लस नाइन्टी ओपन ब्रैकेट आपको मैंने उस दिन ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था ना नाइन्टी पर नहीं जाना तो वो लाइन जैसे आपका उस दिन ग्राफ था ये नाइन्टी की लाइन थी तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा था मतलब इसको टच नहीं करेगा वो ठीक है तो अब आपको एक और रिजल्ट लर्न करना है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है आपका माइनस टेन इन थीटा तो यहाँ पर भी सेम इस क्वेश्चन में माइनस को सबसे पहले बाहर लेकर आओगे माइनस टेन इन रूट थ्री अब बेटा रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है सिक्सटी की सिक्सटी मीन्स पाई बाई थ्री सॉरी यहाँ पर tan आएगा सिक्सटी मीन्स tan इनवर्स tan टेन पाए बाय थ्री आई एम राइटिंग अगेन माइनस टेन इनवर्स टेन पाए बाय थ्री सो योर आंसर इज़ माइनस पाए बाय थ्री पाई बाय माइनस फाइव बाय थ्री इज सिक्सटी डिग्री देखो इसके बीच में ये आंसर आ रहा है माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी मीन्स जो ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा ठीक है आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको इसके बाहर के बाहर के आंसर्स मिलेंगे जब बाहर के आंसर मिलेंगे ना फिर हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी तब हमें ये डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर कॉस इनवर्स वर्स माइनस वन बाई टू तो बेटा सबसे पहले फिर कॉस इनवर्स की डोमेन क्या थी आपके पास माइनस वन टू वन और रेंज क्या थी आपके पास जीरो टू पाई ठीक है तो अब फिर अब मैंने आपको पहले रिजल्ट बताया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ठीक है तो आपने इसको आप कैसे लिखोगे कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू विल बी रिटर्न एज पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू उसके बाद कॉस इनवर्स वन बाय टू की वैल्यू आप क्या ऑपुट करोगे वन बाय टू किसके इक्वल होता है सिक्सटी डिग्री के सिक्सटी मतलब पाई बाय थ्री ठीक है सो कॉस इनवर्स एंड कॉस विल बी कैंसल्ड आउट पाई माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए आपको मिला क्या पाई बाय थ्री एट टेक द एल सी एम एंड यू विल गेट टू पाई बाय थ्री अब देखो हिंट uh, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करके देख लो वन एटी बाय थ्री सिक्सटी वन ट्वेंटी तो देखो आप प्रिंसिपल ब्रांच में बैठे हुए हो आप इससे बाहर तो नहीं गए ठीक है तो दिस इज दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर फोर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन तो अब हम डायरेक्ट कर लें अब आपको होप्सो याद हो गया होगा रेंज डोमेन तो टैन इनवर्स ऑफ माइनस थीटाइस इसमें माइनस बाहर आएगा माइनस टैन इनवर्स वन और बेटा टैन इनवर्स वन किसकी वैल्यू है टैन पाए बाय फोर टैन पाए बाय फोर और टैन ता, पाए बाय फोर ये टैन इनवर्स और टैन आपस में कैंसिल हो गए आपको मिला ओनली पाई बाय फोर तो यहां पर मैंने टेन की रेंज लिखी हुई है माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी तो फोर्टी फाइव डिग्री के बीच में ही होगा तो दिस इज योर आंसर यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ वी हैव सीकेंड इनवर्स ठीक है तो सीकेंड इनवर्स देखो आप कैसे निकालोगे सीकेंड इनवर्स की सबसे पहले डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे डोमेन इज वन एक्स इज बिट्वीन वन टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनी टू माइनस वन ये मैंने आपको बता दिया ना कि ये दो टाइप्स में क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जो इसके ग्राफ्स हैं वो यूनियन करके हम कंबाइन करते हैं ठीक है और रेंज क्या है इसकी रेंज है ज़ीरो से लेके पाई बाय टू पाई बाय टू अगेन आपने इंक्लूड नहीं करना और यहाँ पर भी नहीं करना एंड पाई बाय टू टू पाई तो आप वैसे ही करोगे क्वेश्चन सिंपल और बाद में बस आंसर चेक करना है कि इसी में आ रहा है या नहीं आ रहा तो सबसे पहले सीकेंड इनवर्स टू बाई रूट थ्री तो रू कॉस रूट थ्री बाय टू किसकी वैल्यू है थर्टी डिग्री तो सिमिलरली ये सिकेंड थर्टी की वैल्यू होगी थर्टी मीन्स फाइव बाय सिक्स तो आंसर सीधा ही आ गया आपके पास फाइव बाय सिक्स नो कन्फ्यूजन इज देयर सिंपल क्वेश्चन इट वॉज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर येस बेटा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर एट कॉट इनवर्सिक्स राइट कॉट इनवर्स एक्स की अगेन पहले डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे डोमेन इज रियल नाइन माइनस इन्फिनिटी टू तो इन्फिनिटी एंड द रेंज इज़ ज़ीरो टू पाई और अगर आप डोमेन वन से लेकर इन्फिनिटी तक लेते हो मतलब नेगेटिव वाले छोड़ देते हो तो आपकी रेंज आएगी जीरो से लेके पाई बाई टू ठीक है तो इसको इन्होंने टू पार्ट्स में अगेन स्प्लिट किया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू तो इन्फिनिटी एक बार तो पूरी नंबर लाइन ली हुई है एक बार सिर्फ पॉजिटिव्स लिए हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो तो आपकी जो रेंज है ज़ीरो से लेके पाए बाय टू के बीच में होगी पाए बाय टू नहीं आएगा पाए बाय टू राउंड ब्रैकेट में आएगा और अगर आप रेंज डोमेन ले रहे हो ऑल रियल नंबर्स तो आपकी रेंज आएगी ज़ीरो से लेके पाए अगेन पाए इज अ इन ओपन ब्रैकेट तो बेटा कॉट इन वर्स ऑफ रूट थ्री रूट थ्री को आप क्या लिखोगे कॉट रूट थ्री इज़ द वैल्यू ऑफ टेन सिक्सटी तो यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी थर्टी ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्टी एंड कॉट इनवर्स कॉट इज़ कैंसल थर्टी डिग्री दैट इज फाइव बाय सिक्स तो इसी में आ रहा है आंसर आप दोनों चेक कर सकते हो ठीक है सो नो प्रॉब्लम इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू तो सबसे पहले आप नेगेटिव को एडजस्ट करोगे जब कॉस होगा तो नेगेटिव कैसे एडजस्ट होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू कैन बी रिटर्न एज कॉस फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री इज पाई बाय फोर एंड योर आंसर इज थ्री पाई बाय फोर तो बेटा कॉस की जो रेंज थी कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो क्या थी ज़ीरो टू पाई तो आप चेक कर लो ज़ीरो टू पाई के बीच में ही आंसर आ रहा है इट मीन्स क्वेश्चन इज राइट नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन सो बेटा क्वेश्चन नंबर टेन वी हैव कुकेंड इनवर्स ऑफ माइनस टू कुंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन तो आप सबसे पहले माइनस एडजस्ट करोगे माइनस बाहर आ जाएगा कुसिकेंड इनवर्स रूट टू अब रूट टू किसकी वैल्यू होती है कुसिकेंड में कुसिकेंड में किसकी वैल्यू होती है फोर्टी फाइव की कुकेंड फोर्टी फाइव डिग्री तो ये आपके पास आ गया माइनस बाय बाय फोर तो कुसेकेंड की बेटा क्या थी रेंज टेल मी चेक करो कि सेकंड की रेंज क्या है जीरो से नाइन्टी और नाइन माइनस नाइन्टी से ज़ीरो माइनस नाइन्टी है तो मीन्स हमारा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आया तो हम उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में ही आंसर लेके आए हैं सो दिस इज़ योर आंसर सो आई हैव कम्प्लीटेड टेन क्वेश्चन एंड टोटल यू हैव फोटीन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन आई विल कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज And uh, please note down all the questions on your copy. Prepare proper notes so that you can revise in your exam. Thank you.